तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। सो गाइस, तुम्हें लग रहा होगा ये ब्लॉग थोड़ा सा अनोखा है। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, ये ब्लॉग सच में अनोखा है। भाई आज मैं पहली बार वोट करने जा रहा हूँ। तो ये बात है उस दिनों की। आज पहली बार मैं वोट करूंगा और देखता हूँ, ठीक है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा पहले बार वोट करने में। देखो वैसे मैंने सारी गाइड वाइड पढ़ ली है, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे गाइड वाइड हमारे घर पे आई थी तो मैंने गाइड वाइड सारी पढ़ ली है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे तो पापा से भी पूछा मैंने कि करना क्या है, कैसे वोट करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन हाँ कैसे वोट करना है कैसे नहीं, तो इसमें आया था भाई मेरा, इसमें आया था इसके अंदर गाइड वाइड सब थी। जैसे इसके अंदर गाइड वाइड बता रखा था कि कैसे कैसे वोट करना है, कैसे 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 जाना है। तो भाई मैंने सारा पढ़ तो लिया है, पहले जाना है, लाइन वाइन होगी, ठीक है, और फिर क्लब्स मिलेंगे, भाई क्या मिलेगा मिलेगा नहीं, लेकिन जितना है भाई एक्सपीरियंस से पता चलेगा उस तक पढ़ के क्या होता है, ठीक है। मैं भाई आज फर्स्ट में बताया ब्लॉग में तो बने रहना कोशिश करूंगा। देखो भाई अंदर तो मोबाइल अलाउड नहीं होता है, पर देखो मैं कैसे भी करके जुगाड़ करूंगा कि मैं मोबाइल ले जाऊं और फिर उधर तो मैं दिखाऊं कि कितने लोग सच में वोट करने आए हैं, क्या वोट करने नहीं आए हैं, ठीक है। तो बने रहना, तुम्हें पता चलेगा दिल्ली का इलेक्शन है, ठीक है, मेरा पदरपुर का मतलब पोलिंग स्टेशन है, तो मजा है। ओ गाइस, हमारी जो मेयर थी, एक्स मेयर, उनकी तरफ से सेवा मिल रही है हमको कि फ्री में हम जा सकते हैं पोलिंग बूथ पे, ठीक है, और यहाँ पे मतलब हमारा वो निकाल रहे हैं, स्टेशन भी निकाल रहे हैं। हमारे एक्स मेयर को देखोगे तो दिखाओ भाई, एक्स मेयर को दिखाओ 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 जल्दी, ठीक है। तो भाई यही है हमारे इसमें निकाल रहे हैं, तो यहाँ से जा रहे हैं भाई हम सीधे। हाँ हाँ समझ गए, हाँ हाँ बिल्कुल, लिख रहे हैं वो, लिख रहा है कि पंचशील पार्क में, हमें पता ही है, और बाकी वो लिख रहा है कि पोलिंग वोलिंग क्या है हमारा। और एक इस अभी हम करते हैं फिर हम चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। अंकल जी किसको वोट दोगे आप, किसको वोट दोगे, सच्ची बताओ। एक ही पार्टी है इस टाइम तो, और पार्टी है कहाँ तो बिल्कुल के अलावा कोई पार्टी ही नहीं है। बिल्कुल सच बोल, ये तो इतना सच बोल दिया है, तो सीधी सी बात है। हाँ ये सही है। बाकी गाइस अभी हम हमारा पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं, मतलब सब कुछ रेडी है हमारा, ठीक है, और आप जाके वोट देंगे। पहली बार हम दे रहे हैं वैसे वोट, हाँ बढ़िया है, सबको सोच समझ के दे रहा हूँ मैं तो, ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ भी दे दूंगा, मैं तो बिल्कुल सोच समझ के वोट दे रहा हूँ, और बाकी सबको भी देना चाहिए सोच समझ के। पूरे देश तो भाई जैसा तुम देख रहे हो भाई, यहाँ से मतलब बैरियर लग गया था और अब यहाँ सब गए। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ वोट देने, ठीक है। अब रानी भी गई, गंगोसा भी लग गया, वोट हो गया मेरा भाई। पहली बार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा। ये हमारा पोलिंग स्टेशन, हेलो, और मजेदार। तो गाइस रानी ने भी दे दिया, ठीक है, और अब हम घर जा रहे हैं क्योंकि अपना काम हो चुका है, वर्क डन, तो आप चलते हैं। तो ये बात है उस दिनों की जब मैं एलिजिबल हो गया था वोटर आईडी कार्ड के लिए। मैं शुरू से कहानी नहीं सुना के तो मैं सीधा बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था भाई। एक गजब मस्त भाई, मेरा एक्सपीरियंस वोटिंग का तो इतना अच्छा था ना कि गर्मी से पसीना तक नहीं निकल रहा था, बस कपड़े गीले हो गए, वो अलग बात है। लेकिन भाई फाइनली मैंने अपना वोट दे दिया, ठीक है, और किसको दिया, डेवलपमेंट को दिया, रश्मिका मंदाना रश्मिका मंदाना की बात सुन के भाई डेवलपमेंट को वोट दिया, ठीक है। और भाई जो भी है सही है, मतलब अपना तुम्हें एक्सपीरियंस था, अंदर गया मैं, पहले तो लाइन थी, ठीक है, हमारी लाइन सबसे छोटी थी और मेरे से पहले 300 लोगों ने वोट डाल दिया था, तो भाई फिर वो तो ठीक है, 300 लोगों ने वोट डाल दिया था। फिर मैं जब गया तो हमारे आगे एक्सपीरियंस है, हमारे आगे ना इतना लवली कपल भाई, अंकल आंटी 70-50 साल के ऐसे अंकल आंटी, ठीक है, वो पता है ऐसे बीवी को प्यार कर रहे हैं ऐसे भाई, इतना केयरिंग बंदा ना भाई, देखा नहीं, मेरा कैमरा होता ना मैं अंकल को सल्यूट मार देता वहां बंदे ने भाई, मतलब अंकल जी ने भाई अपनी बीवी का इतना सपोर्ट किया ना वोटिंग में, गजब ही था भाई। लेकिन मेरे को बड़ा प्यार आएगा, इंडियन वोटिंग सिस्टम बहुत सही है, ठीक है, और जो कह रहे थे कि भाई ईवीएम हैक है तो भाई हैकर ही हायर कर लो, अगर कोई जीतता है या कोई हारता मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन जिसको मैंने वोट किया और जिससे वोट किया भाई बहुत ही सही लगा, और मैंने जितना भी एक्सपीरियंस था मेरा वोटिंग का बहुत ही बेस्ट था। मेरा पहला वोट बहुत ही गजब का था और डेवलपमेंट को गया मेरा पहला वोट, और मेरी भारत की जो, मैं जी पॉलिटिक्स का एक स्टूडेंट भी एक तरह से मैं पढ़ता रहता हूँ, तो भाई एक तरह से मैंने उस चीज को देख के वोट किया। बाकी आपको कैसे वोट करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि वो आपका राइट है,
लेकिन वोट मैटर्स करता है, वोट मैटर करता है, ठीक है, मैटर्स बोल रहा हूँ, मैटर करता है वोट, ठीक है। तो आपको ये वोट देना जाके, तब तक के लिए मिलते हैं, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, वीडियो देखो, मेरी हालत कितनी खराब हो गई है, खस्ता हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। तुम्हारा अगर एक उंगली दब जाएगा ना मेरे उस पे सब्सक्राइबर पे, तो नीचे तुम्हें पता नहीं फर्क पड़ेगा, पड़े मुझे बहुत फर्क पड़ेगा, सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा, तो कर देना प्लीज भाई, कर देना, हाथ जोड़ रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।